रिपोर्ट की करते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करते हैं। यूपी में 80 के 80 पर टारगेट सेट है और इसे अचीव करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली। योगी आदित्यनाथ अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश की राजधानी से दूर वेस्टर्न यूपी में हैं और बीजेपी के ग्रासरूट वर्कर से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है और इसकी शुरुआत हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस तूफानी दौरे से किस तरह से जाटलैंड से लेकर यादव लैंड की 25 सीटों पर इंडी अलायंस का गुणा भाग प्रभावित हो रहा है, आपको सब कुछ समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट। वोटिंग की तारीख सामने है और श्री कृष्ण जन्मभूमि से योगी आदित्यनाथ का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के नाम अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साथ साथ दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुंज गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हूं। सीएम योगी ने अपने प्रचार अभियान का आगाज मथुरा से किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचते ही सबसे पहले कान्हा की पूजा अर्चना की और इसके साथ ही निकल पड़े यूपी में 80 के 80 मिशन को साकार कर। टारगेट पर जाटलैंड और यादव लैंड की 25 वो सीटें हैं जहां पहले 3 चरणों में वोटिंग होनी है। सीएम योगी अगले 5 दिनों में 15 जिलों को कवर करेंगे। 27 मार्च को मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद और 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा। 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक, डबल इंजन की सरकार में आम लोगों तक योजनाओं की पहुंच और मोदी की गारंटी के साथ को और मजबूत करना। मोदी का मतलब 11-12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। मोदी यानी 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए छत, प्रधानमंत्री आवास योजना। मोदी यानी 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय। मोदी यानी 7 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी यानी 2.5 करोड़ घरों में बिजली का उजाला, जिन घरों में कभी बिजली नहीं मिली थी। मोदी यानी 10 करोड़ घरों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन। सीएम योगी ने जिस तरह से मथुरा से अपने प्रचार अभियान का आगाज किया उससे टीम अखिलेश की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। हो भी क्यों ना, जब भी मौका मिलता है अखिलेश यादव खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताने से चूकते नहीं है। कि भगवान विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूं, मैं राम में भी कृष्ण देखता हूं, कृष्ण में भी राम देखता हूं। जो राम है हमारे लिए वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है हमारे लिए। अगर आपके अलग हो तो बता दो। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। हम लोगों ने देखिए दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ताला बंद किया था और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था और ताला हमारी सरकार ने खुलवाया, दोनों जगह ताले खुलवा दिए। अयोध्या, मथुरा और काशी पर राजनीति का चक्का 1990 के दशक के मुकाबले 180 डिग्री घूम चुका है। भले विपक्ष अभी भी छद्म धर्मनिरपेक्षता को इस आस में ओढ़े हुए दिख रहा है
कि उसे कुछ वोट मिल जाएंगे। वोट बैंक का एम फैक्टर सज जाएगा। लेकिन अब 2024 के भारत में राम कृष्ण शिव पर मन महसूसने की जरूरत नहीं रह गई है। द्वारा गरीब कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो जातिवाद के नाम पर केवल अपने परिवार तक सीमित रह करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर रहे हैं, और इसलिए देश के सामने कोई असमंजस नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी जी ने अपना काम किया, लेकिन अब हमारा काम है। और हमारा क्या काम है? मोदी जी ने धारा 370 हटाई तो हर बूथ पर 370 अतिरिक्त वोट हम बढ़ा करके देंगे। सीएम योगी का 5 दिनों का यह तूफानी दौरा किस तरह चार्टलैंड में इंडी गठबंधन का पूरा गुड़ाभाग बदल कर रख देगा, ये बताएंगे आगे। पहले ये जान लीजिए कि सीएम योगी के दौरे और वोटिंग पैटर्न में क्या कोइंसिडेंस है। 2017 के चुनाव में चार्टलैंड में 38% वोट बीजेपी को मिले थे, जबकि इससे कहीं ज्यादा 57% वोट समाजवादी पार्टी की झोली में पड़े थे। वहीं कांग्रेस महज 1% और बीएसपी को 3% जाट वोट मिला था। लेकिन 2022 तक स्थिति एकदम बदल गई। जाटलैंड में भगवा रंग और निखरा। 2022 के चुनाव में जाटलैंड में 54% वोट बीजेपी को मिले, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को महज 33% वोट ही मिले। बीएसपी को 12% वोट मिले। लेकिन 2024 में गठबंधन के गणित पूरी तरह से बदल चुके हैं। जाटलैंड में छोटे चौधरी, जो कल तक 2 लड़कों के साथ थे, वो अब भगवा खेमे में आ चुके हैं। जाहिर है आरएलडी के एनडीए में शामिल होने से अखिलेश यादव को वोट शेयर में सेन का खतरा साफ दिख रहा है। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की करीब 27 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 8 सीटों पर गठबंधन ने 3 का डंका बजाया था। इसमें से आरएलडी 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार यूपी के लिए योगी का मिशन 80 और पश्चिमी यूपी के लिए मिशन 27 सेट है। इसकी वजह साफ है कि अगर आरएलडी के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी तो करीब 5% वोट पर असर पड़ सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी को 0.9% वोट मिले थे। आरएलडी ने सपा और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2019 के चुनाव में बीएसपी के भी साथ आने से आरएलडी का वोट प्रतिशत बढ़ गया था और ये 1.7% पर पहुंच गया था। जानकारों की माने तो बीजेपी के साथ गठबंधन से आरएलडी का वोट प्रतिशत 2019 के मुकाबले डबल हो सकता है। मिशन 400 पार के लिए पश्चिमी यूपी बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस इलाके में एक ओर सीएम ने तूफानी दौरा शुरू कर दिया है तो दूसरी ओर 30 मार्च को यूपी के मेरठ से ही प्रधानमंत्री अपनी चुनावी जनसभा का आगाज करेंगे। इस दौरान उनके साथ आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। ये पहला मौका होगा जब एनडीए में शामिल होने के बाद जयंत चौधरी की सार्वजनिक मंच पर पीएम मोदी के साथ दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, इस मंच पर बीजेपी के कैंडिडेट अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाई थी, वो भी बतौर बीजेपी कैंडिडेट मंच शेयर करेंगे। कुल मिलाकर 2019 लोकसभा चुनाव में जो लोग अखिलेश यादव के साथ थे वो अब अलग है। कोई एनडीए का हिस्सा बन चुका है तो कोई अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहा है। और तो और, अखिलेश के सामने इसके अलावा इंडी गठबंधन से बाहर दूसरी पार्टियों से भी चैलेंज मिल रहा है। यूपी में अखिलेश के साथ सिर्फ राहुल गांधी है, वही जोड़ी जो 2017 के विधानसभा चुनाव में कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। अब की बार जब देश राम रथ पर सवार है, तब अखिलेश कैसे इस चुनाव में अपने जीत के दावे को हकीकत में बदलते हैं, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।